नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज टीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन बाइक्स के बारे में। अगर आपको अपनी बाइसाइकिल को थोड़े रफ एंड टफ सर्फेसिस पे या फिर रफ टेरेन्स पे या फिर मैं कहूँ पूरे माउंटेन बाइकिंग का शौक है तो बिलीव मी आज की वीडियो खास आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूँ टॉप 5 बेस्ट माउंटेन बाइक्स जो आपकी सारी की सारी एडवेंचर नीड्स को पूरा करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। दोस्तों, हम ऑलरेडी साइकिल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बना चुके हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में टाइप्स ऑफ साइकिल के थ्रू पूरा बाइंग गाइड समझाया था, बताया था कि आपके लिए कौन सी साइकिल बेस्ट हो सकती है। अगर आपको नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए और फिर जानिए कौन सी माउंटेन बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है, लेकिन मैं आपका भी दुख समझता हूँ कि आप प्रोडक्ट्स को खोज खोज के परेशान हो चुके हैं, तो इसलिए अपने खोजने का काम आप हमें दे सकते हैं हमारे खोज के चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट माउंटेन बाइक्स जिसका आप सभी को इंतजार था। At the one position, we have GK Spartan Mountain Bicycle, price 20,200 rupees के आसपास कुछ देखने को मिल सकता है। Frame size की बात करूँ तो आपको 17 inches तक का देखने को मिल जाएगा। Frame का material आपको aluminium का देखने को मिल जाएगा। बात करें frame के कुछ और different features की तो ये aerodynamically design किया गया है ताकि आपको यहाँ पे air friction कम से कम हो। प्लस दोस्तों, यहाँ पे इस फ्रेम के ऊपर आपको रेडियम स्टिकर्स तक देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए क्योंकि माउंटेन बाइसाइकिल है, तो ड्यूअल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। आपका जो सैडल है टोटली एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से आप ऊपर से ऊपर नीचे अपनी हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। प्लस दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी हाइट जो है 5'4" से लेकर 6'2" के बीच में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस बाइक की वेट कैपेसिटी अप टू 150 kg तक है। दोस्तों, ऑब्वियसली माउंटेन बाइक है, सस्पेंशन तो चाहिए ही चाहिए, तो एक हार्टिल एमटी बाइक है, यानी कि इसके अंदर आपको फ्रंट सस्पेंशन तक देखने को मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे इसकी स्पीड सेटिंग्स की तो आपको 21 गियर सेटिंग्स बाय माइक्रोशिफ्ट देखने को मिल सकती है। टायर की बात करूं दोस्तों तो 27.5 इंचेस के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। At number 2 position, we have Urban Terrain Mountain Bicycle, price 15,500 rupees के आसपास कुछ देखने को मिल जाएगा। बात करें फ्रेम साइज की तो आपको 17 इंचेस तक का देखने को मिल सकता है। फ्रेम मटेरियल आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके ब्रेक्स की तो ड्यूअल डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर माउंटेन बाइसाइकिल है तो सेफ्टी हमें टॉप नॉच चाहिए ही चाहिए। बात करें यहाँ पे इसके कुछ और डिफरेंट फीचर्स की दोस्तों, तो इसको जो सैडल है क्विक रिलीज है, टोटली एडजस्टेबल है, अपनी हाइट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट कुछ 5'5" से लेके 6 फीट तक है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये एक हार्ड टेल एमटीवी बाइक है, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके सस्पेंशन की खास बात ये है कि काफी आसानी से शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको माउंटेन बाइकिंग का काफी अच्छा एडवेंचर या फिर मैं कहूँ एक एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें स्पीड की तो आपको 21 गियर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, दैट टू बाय शिमानो। शिमानो इज वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स। दोस्तों, ये जो शिमानो है बेसिकली अगर इसके जो गियर्स होते हैं किसी भी साइकिल में होते हैं वो काफ़ी आसानी से काफ़ी स्विफ्टली चेंज हो जाते हैं, तो बिलीव मी शिमानो की तरफ से आने वाला हर एक यूनिट या फिर शिमानो का किसी एक साइकिल में भी होना इज जस्ट एन आइसिंग ऑन द केक, तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा शिमानो की साइड पे ही रहेगी। बात करें यहाँ पे टायर साइज की, आपको 26 इंचेस तक के टायर्स देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके तो स्पेशल फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1+ फिट ऐप सर्विस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 3 months पर्सनल डाइटेशन तक आपको यहाँ सपोर्ट देखने को मिल जाता है। प्लस दोस्तों, इसका फ्री होम इंस्टॉलेशन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टॉप 5 सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी जो मैंने प्रोडक्ट्स की नंबरिंग करी है वो टोटली रैंडम नंबरिंग है। अब अपने नीड्स के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है आप उसको काफ़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं। प्लस दोस्तों, अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं, उन परचेजेस पे नई नई डील्स जानना चाहते हैं, पहले से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने कॉमेंट सेक्शन में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप काफ़ी आसानी से उस पर
क्लिक करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और 24 घंटे नई नई डील्स के बारे में, नई नई सेल्स के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं। दोस्तों अभी जो आपको प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बताए मैंने, वो भी करंट प्राइसेस में जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूं। अब मुझे नहीं पता, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कई बार क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो वैरी कर जाते हैं, या तो वो हाइक हो जाते हैं या फिर वो लो हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट्स का करंट प्राइस जानने के लिए इन सभी का बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप काफी आसानी से उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट्स का करंट प्राइस जान सकते हैं, कस्टमर्स के रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूटेबल रहेगा। At number 3 position, we have Geeky Thornos Mountain Bicycle. Price 18,600 rupees के आसपास कुछ देखने को मिल जाता है। बात करें फ्रेम मटेरियल की तो आपको स्टील का देखने को मिल जाएगा। फ्रेम साइज आपको 17 इंचेस तक का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसका फ्रेम डिजाइन किया गया है एरोडायनामिकली ताकि आपको एयर फ्रिक्शन यहाँ पे कम से कम महसूस हो। प्लस बात करें यहाँ पे ब्रेक्स की तो आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। सेफ्टी टॉप नॉच चाहिए ही चाहिए। प्लस आपका यहाँ पे जो पैडल है क्विक रिलीज है, टोटली एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर राइडर की हाइट कुछ 5'4" से लेकर 6 फीट तक है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लस दोस्तों यहाँ पे एक हार्ड टेल एमटीबी बाइक है तो आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा ताकि आप काफ़ी आसानी से इस पर सारे एडवेंचर्स या फिर मैं कहूँ जितने बाइकिंग एडवेंचर्स हैं उनको काफ़ी आसानी से उनके मज़े ले सके। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको 24 गियर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है और गियर्स का ब्रांड आपको गीके का ही देखने को मिलता है। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि जो उसका गियर ब्रांड्स है ना ही वो शिमानो का है ना ही वो माइक्रोशिफ्ट का है, तब वॉज क्वाइट कन्फ्यूज। मुझे लगा ये जो गियर सेटिंग्स है इसकी रिलायबल नहीं है, बट बिलीव मी आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो इस साइकिल को यूज़ करता है एंड उसने मुझे बताया कि इसके गियर्स कितने स्विफ्टली चेंज होते हैं। मैं टेस्ट ड्राइव तो नहीं ले पाया बट आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे गियर सेटिंग्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, दैट टू 24 स्पीड सेटिंग्स के साथ। दोस्तों टायर साइज की बात करूँ तो आपको 27.5 इंचेस तक का देखने को मिल सकता है, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। At number 4 position, we have Firefox Gangster Bicycles. Price 20,000 rupees के आसपास देखने को मिल जाएगा। Frame material आपको स्टील का देखने को मिल जाएगा। Frame size आपको 18 inches के आसपास देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो saddle है totally adjustable है, quick release saddle है, काफी आसानी से आप उसको adjust कर सकते हैं। Dual disc brakes देखने को मिल जाती है, front end दी है ताकि आपको safety जो है top notch में मिले। दोस्तों अगर आपकी हाइट कुछ 5'5 से लेकर 6'4 के बीच में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये एक हार्ड टेल एमटीबी बाइक है तो फ्रंट सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 21 गियर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है बाय माइक्रोशिफ्ट, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम 29 इंचेस तक के टायर्स देखने को मिल सकते हैं, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। At number 5 position, we have 91 Defeater Pro Hybrid Bicycle. Price 17,200 rupees के आसपास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वैसे है तो ये हाइब्रिड बाइसाइकिल लेकिन इसके फीचर्स किसी माउंटेन बाइसाइकिल से कम नहीं है, क्योंकि वैसे आपको हाइब्रिड साइकिल का मतलब बता दूं तो जितनी भी ये साइकिल्स होती हैं आप इनके साथ नॉर्मल रोडिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे फ्रेम की तो आपको 17 इंचेस तक का फ्रेम देखने को मिल जाता है और जो फ्रेम का मटेरियल है आपको कार्बन हाइड्रेंसिल के साथ स्टील का देखने को मिल जाता है। ये दोनों मटेरियल आपके पूरे फ्रेम को, इनफैक्ट पूरी साइकिल को काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट बना देती है। इस पूरी साइकिल का वेट आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ 16 kg के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो इसकी सीट है टोटली एडजस्टेबल है, क्विक रिलीज सीट है, काफ़ी आसानी से उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगी दोस्तों यहाँ पे फ्रंट एंड रियर। प्लस अगर आपकी हाइट कुछ 5'7" से लेके 6'6" तक है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों ये एक हार्ड टेल एमटीबी बाइक है, फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा ताकि आपके शॉक्स काफ़ी आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको 21 गियर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है बाय माइक्रोशिफ्ट। टायर साइज आपको यहाँ पे 29 इंचेस तक का देखने को मिल जाएगा। जितना बड़ा साइज होता है टायर का उतना ही ज़्यादा कम आपको यहाँ पे जो बम्प्स होते हैं रोड्स पे, जितने भी गड्ढे होते हैं उतने कम महसूस होते हैं, तो इसलिए आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जितनी साइकिल्स मैंने बताई ये सभी के सभी आपके लिए काफ़ी टेरिफिक परचेज साबित हो सकती हैं, तो इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो सबको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी टॉप 5 बेस्ट माउंटेन साइकिल्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी साइकिल्स के ऊपर या फिर किचन अप्लायंसेस के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक और चीज़ कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलेगा, लिंक मैंने अपने कॉमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, आप काफ़ी आसानी से हमारी कॉम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा एंड खुशी के चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।